हेलो एवरी वन वी आर इन द सम्स क्लास ऑफ सिक्वेंस एंड सीरीज वी आर इन द सम्स क्लास ऑफ सिक्वेंस एंड सीरीज खाली फॉर्मूला करने से तो होगा नहीं ना हम लोग को सम्स भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा सबसे पहला फोर प्लस फोर्टी फोर प्लस फोर फोर्टी फोर प्लस फोर थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड फोर्टी फोर प्लस डॉट 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 अप टू एन टर्म्स तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा हम लोग को सबसे पहले क्या करना है फोर कॉमन लेना है तो मेरा क्या बचेगा वन प्लस इलेवन प्लस हंड्रेड एंड अप टू एन टर्म्स फिर क्या करना है हम लोग को इसको नाइन से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे हम लोग तो ये नाइन बन जाएगा ये 99 नाइन बन जाएगा ये नाइन नाइन बन जाएगा एंड सिमिलरली ये कहां तक जाएगा एन टर्म्स तक जाएगा अब क्या नाइन को हम लोग टेन माइनस वन लिख सकते हैं नाइन्टी नाइन को टेन स्क्वायर माइनस वन नाइन नाइनटी नाइन को टेन क्यूब माइनस वन यस इट विल गो अप अपू एन टर्म्स अब सारा टेन वाला टर्म्स को एक साथ लिखेंगे और सारा वन वाले टर्म को एक साथ लिखेंगे फोर प्लस फोर्टी फोर था पहले फोर कॉमन लिए फिर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय नाइन किए फिर कोशिश कर रहे हैं इसको जीपी सीरीज में एक्सप्रेस करने का तो मेरा अल्टीमेटली क्या आ रहा है फर्स्ट टर्म टेन है कॉमन रेशियो टेन है आई कैन राइट दिस एज अ फॉर्मूला एस एन ऑफ अ जीपी सीरीज का फॉर्मूला क्या था ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन बाई आर माइनस वन एन वन प्लस वन अप टू एन टाइम्स एन होता है तो फोर बाय नाइन टेन इंटू टेन टू द पावर एन माइनस वन माइनस नाइन एन बाय नाइन ये फॉर्मेट याद रखो फोर बाय नाइन टेन इंटू टेन टू द पावर एन माइनस वन माइनस नाइन एन बाई नाइन दिस वी हैव टू रिमेम्बर ये हम लोग को याद रखना है क्यों सर क्यों याद रखना है क्यों कल को मान लीजिए एग्जाम में सेवन प्लस सेवेंटी सेवन प्लस सेवन सेवेंटी सेवन आ जाए अप टू एंड टर्म्स इतना सॉल्व करने का टाइम नहीं मिलेगा मेरे को इतना सॉल्व करने का टाइम नहीं मिलेगा सीधा हम लोग लिखेंगे सेवन बाय नाइन टेन इंटू टेन टू द पावर एन माइनस वन माइनस नाइन एन बाई नाइन बोलिए कोई समस्या एनी प्रॉब्लम Yes. We are clear with this type of sum. Fine. Simply, we are taking out the given term common, then multiplying by nine, then expressing the same into a GP series. Okay. कल को मान लीजिए वन बाई टेन प्लस वन बाई टेन स्क्वायर प्लस वन बाई टेन क्यूब अप टू एंड टर्म्स आएगा तो यहां पर फर्स्ट टर्म क्या हो गया वन बाई टेन और कॉमन रेशियो क्या हो गया वन बाई टेन तो एस एन का फॉर्मूला क्या है वन माइनस आर टू द पावर एन

वन माइनस वन बाई टेन टू द पावर एन बाई नाइन बाई टेन क्योंकि वन माइनस वन बाई टेन नाइन बाई टेन होता है वन माइनस वन बाई टेन नाइन बाई टेन होता है माइनस 1 -1 होता है. 1 -1 है अब ये टेन और ये टेन कैंसिल हो जाएगा तो मेरा क्या बच रहा है वन माइनस Ten to the power minus N by nine. One minus ten to the power minus N by nine. One minus ten to the power minus N by nine. One minus ten to the power minus N by nine. ठीक है अब एक नोट लिखो देयर आर लॉट ऑफ सम्स विच कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन देर आर लॉट ऑफ सम्स विच कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन बट मैं इनिशियली क्यों नहीं करवा रहा हूं ऑप्शन के हेल्प के साथ में क्यों हो सकता है आगे जाकर का आपको ये लॉन्ग रन में काम आए एंड आएगा ही आएगा इसीलिए बेस से करना इज वेरी गुड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हम लोग ऑप्शन से भी देख लेंगे बट ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा क्वेश्चन नंबर थ्री डिवाइड वन फोर्टी फोर डिवाइड वन फोर Into three parts which are in AP and such that the largest is twice. The smallest, the largest is twice the smallest. Find the smallest number. Divide three parts, divide 144 into three parts which are in AP such that the largest is twice the smallest. जब भी थ्री पार्ट्स का नाम आएगा और साथ में एपी होगा हम लोग ने डिसाइड किया था कि हम लोग ये वाला फॉर्मेट यूज करेंगे ए माइनस डी ए ए प्लस डी तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम ए माइनस डी प्लस ए प्लस ए प्लस डी इज 144, तो 3a ए इक्वल्स टू वन और एक्वल्स टू फोर्टी एट थ्री पार्ट ऑफ एन एपी ए माइनस डी ए ए प्लस डी तो ए आ गया मेरा फोर्टी एट येस और नो अब अगेन बाय द प्रॉब्लम लार्जर पार्ट इज इक्वल टू टू आइज द स्मॉलर पार्ट So, 48 plus D equals to 96 minus 2D or 3D equals to 48 or, or D equals to 16. Question mein saaf saaf bola hai that the largest part is equals to twice the smallest part. लार्जेस्ट पार्ट इज इक्वल टू ट्वाइस द स्मॉलेस्ट पार्ट तो हम लोग डी निकाल ली हम लोग डी निकाल लिएस्ट नंबर इज ए माइनस डी फोर्टी एट माइनस सिक्सटीन इज थर्टी टू फोर्टी एट माइनस सिक्सटीन इज थर्टी टू Forty eight minus sixteen is thirty two. Yes. क्लियर है यस नंबर फोर एपी का समय टी सेवन इज टू टी टेन इक्वल्स टू फाइव इज टू सेवन फाइंड टी एट is टी इलेवन अब आपको पता होना चाहिए टी सेवन का टर्म तो ए प्लस सिक्स डी बाई ए प्लस नाइन डी इक्वल्स टू फाइव क्रॉस मल्टीप्लाई करो सेवन ए प्लस फोर्टी टू डी इक्वल्स टू फाइव ए प्लस फोर्टी फाइव डी और टू ए इक्वल्स टू थ्री डी और a बाई डी इक्वल्स टू थ्री बाई टू और a बाई डी इक्वल्स टू थ्री बाई टू और a बाई डी इक्वल्स टू थ्री बाई टू अब ए प्लस सेवन डी बाई ए प्लस टेन डी तो ए प्लस सेवन डी बाई ए प्लस टेन डी तो हम लोग क्या कर सकते हैं ए को थ्री के डी को टू के पुट कर लेते हैं ठीक है तो के प्लस सेवन इंटू टू के बाई थ्री के प्लस टेन इंटू टू के वेयर के इज अ कॉन्स्टेंट तो ऊपर आ रहा है 17k, नीचे आ रहा है 23k। तो मेरा आंसर आ गया 17 इंस टू ट्वेंटी मेरा आंसर आ गया 17 इंस टू ट्वेंटी एक्चुअली अगर आप नोटिस करोगे तो दिस वॉज प्योरली सम्स ऑफ रेशियो अगर एक्चुअली में आप नोट करोगे तो ये है रेशियो का सम्स बट आया किसमें यह है रेशियो का सम्स बट आया किसमें सीक्वेंस एंड सीरीज में तो जो लोग भी इग्नोरेंट है अबाउट द बेसिक्स उनको इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में थोड़ा डिफिकल्टी आएगा क्योंकि ये एक्चुअली में एपी जस्ट एन एप्लीकेशन रेशियो का टर्म्स निकालने के लिए एपी यूज हो रहा है बट प्रोसेस जो हो रहा है वो रेशियो का है सॉल्यूशन जो आ रहा है वो रेशियो का आ रहा है ठीक है आगे बढ़े हम लोग फाइन क्वेश्चन नंबर फाइव एस एन दिया हुआ है टू एन स्क्वायर प्लस एन एपी सीरीज का है हम लोग को निकालने बोल रहा है टी टेन माइनस टी वन एस एन दिया हुआ है टू एन स्क्वायर प्लस एन एपी सीरीज है और मेरे को टी टेन माइनस टी वन निकालना है तो मैं क्या कर सकता हूं सबसे पहले एक चीज याद रखिए एस एन माइनस एस ऑफ एन माइनस वन इज टी एन समू एन टर्म्स माइनस सम अपू एन माइनस वन टर्म्स इज द एन एथ टर्म तो अगर मेरे को टेन्थ टर्म का वैल्यू निकालना है तो मेरे को एस टेन माइनस एस नाइन करना होगा तब जाके मेरा क्या आएगा T10, टेन एंड एस वन इक्वल्स टू टी तो अल्टीमेटली मेरा क्वेश्चन क्या बन गया मेरे को निकालना क्या है टी टेन माइनस टी वन जो कि मेरा चेंज हो गया है एस टेन माइनस एस नाइन माइनस एस वन चलिए टू इंटू टेन स्क्वायर प्लस टेन माइनस टू इंटू नाइन स्क्वायर प्लस नाइन माइनस टू इंटू वन स्क्वायर प्लस वन सिंपली वी आर रिप्लेसिंग the value of n as ten, nine, and 1. those so are thus 81 into 2, 162 plus 9, 171, 2 plus 1, 3, 36 is the answer. 36 is the answer. 36 is the answer bolo क्लियर है आगे बढ़ सकते हम लोग क्वेश्चन नंबर सिक्स चलिए दिया हव एट टू फोर्टी थ्री टू फोर्टी थ्री टू द पावर वन बाई सिक्स टू फोर्टी थ्री टू द पावर वन बाई थर्टी सिक्स और ये इंफिनिटी तक जाएगा हमको निकालना है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द अबव मेरे को ऊपर वाले का प्रोडक्ट निकालना है ऊपर वाले टर्म्स का प्रोडक्ट निकालना है तो क्या कर सकता हूं मैं Two forty three into two forty three power me one by six into two forty three power me one by thirty six infinity thug. Since the base is same, powers will get added up. since the base is same powers will get added up now we observe that power is in gp infinite series the power hai, वो एक जीपी सीरीज है इंफिनाइट जीपी सीरीज है वेयर ए इज़ इक्वल्स टू वन आर इज वन बाई सिक्स वेयर ए इज इक्वल्स टू वन आर इज वन बाई सिक्स तो एस इन्फिनिटी का रूल क्या है ए बाई वन माइनस आर तो ए बाई वन माइनस आर करने के जा रहे हैं So, 1 by 5 by 6. That is nothing but 6 by 5. That is nothing but 6 by 5. So, 243 to the power 6 by 5. 3 to the power 5. Whole to the power 6 by 5. Power of a power gets multiplied. So, 3 to the power. Six. three to the power six, that is seven twenty nine. Three to the power six, that is seven twenty nine. Three to the power six, that is seven twenty nine. तो बहुत बार जरूरी नहीं है क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ देगा इनडायरेक्टली भी पूछ सकता है तो द अबव क्वेश्चन वॉज एग्जाम्पल ऑफ द अबव क्वेश्चन ऑल्सो नीड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिसेस ऊपर वाला क्वेश्चन जिसको इंडिसेस नहीं आता वो सॉल्व नहीं कर पाएगा ऊपर वाला क्वेश्चन जिसको एंडिस नहीं आता है वो सॉल्व नहीं कर पाएगा कभी भी सॉल्व नहीं कर पाएगा ठीक है क्वेश्चन नंबर सिक्स क्लियर है सभी को यस yes. आगे बढ़े हम लोग चलिए थोड़ा सा रिलैक्स कर देते हैं आप लोग को इंसर्ट टू एम बिटवीन सिक्सटी एट एंड टू सिक्सटी इन सर्ट टू एम बिटवीन सिक्सटी एट एंड टू सिक्सटी सबसे पहले क्या करना है सिक्सटी एट ए एम वन ए एम टू टू सिक्सटी तो मेरा टी फोर हो गया टू सिक्सटी 68 एट प्लस थ्री और d इक्वल्स टू यही मैंने फॉर्मूला लिखाया भी था आपको b माइनस ए बाई एन माइनस वन एम के केस में तो कितना हो रहा है बताओ 64 आ रहा है क्या डी का टोटल 64 आ रहा है तो ए एम वन विल बी 68 एट प्लस सिक्सटी फोर वन थर्टी टू ए एम टू विल बी वन थर्टी टू प्लस सिक्सटी फोर दैट इज वन सिक्स एनी टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस Any term plus common difference is equals to next term. Any term plus common difference is equals to next term. Any term plus common difference is equals to next term. Okay? एक नोट लिखिए ज्योमेट्रिक मीन इज द एनथ रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स ज्योमेट्रिक मीन इज द एनथ रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स तो अगर मान लीजिए एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री दिया हुआ है तो इसका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा x1 वन इंटू एक्स टू इंटू एक्स थ्री होल्ड द पावर वन बाई थ्री सिमिलरली अगर x1 x2 दिया हुआ है तो इसका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा x1 x2 का पावर में हाफ अगर मान लीजिए x1 x2 x3 डॉट 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 एक्स तक दिया हुआ है तो ये क्या हो जाएगा x2, x3, xn तक लिख के पावर में वन बाई एन ठीक है दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्रिक मीन विच वी नीड टू एड विद द नॉलेज वी हैव रिसीव्ड इन द लास्ट क्लास दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्रिक मीन तो हमको क्वेश्चन नंबर एट में पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर एट में पूछ रहा है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ पी पी स्क्वायर पी क्यूब पी टू द पावर एन तक का ज्योमेट्रिक मीन पूछ रहा है तो मेरे को क्या करना है सीधा मल्टीप्लाई कर देना है कहां तक एन तक और पावर में क्या लिखना है वन बाई एन नाउ अगेन P पावर में हो जाएगा वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस डॉट 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 प्लस एन होल्ड टू द पावर वन बाई एन सिंस द बेस इज सेम पावर्स विल गेट एडेड तो एन इंटू एन प्लस वन बाई टू इंटू वन बाई एन मेरा आंसर हो गया पी टू द पावर एन प्लस वन बाई टू मेरा आंसर हो गया पी टू द पावर एन प्लस वन बाई टू p to the power n plus 1 by 2 बोलिए clear है ये वाला yes. क्वेश्चन नंबर नाइन जो हम लोग करेंगे हम लोग को दो नंबर दे दिया है से ए एंड बी एम बोल दिया है ट्वेल्व पॉइंट फाइव जी एम बोल दिया है टेन फाइंड द नंबर्स इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा ना सीधा ऑप्शन खोजना क्या क्या ऑप्शन है ऑप्शन में दिया हुआ ट्वेंटी कॉमा फाइव फाइव कॉमा फोर टेन कॉमा फाइव नन ऑफ दीज को मेरे को गाइड कर सकता है दो नंबर का ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकलेगा दो नंबर का ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकलेगा ए प्लस बी बाय टू वो तो अरिथमेटिक मीन है Root दो नंबर के लिए दो नंबर के लिए अरिथमेटिक मीन इज ए प्लस बी बाई टू ज्योमेट्रिक मीन इज रूट ओवर ए बी। पावर पावर में हाफ मतलब रूट ना तो फिफ्टी का रूट इज नॉट टेन ट्वेंटी का रूट इज आल्सो नॉट टेन तो सी और बी तो ऐसे ही खत्म हो गया लेकिन 20 और 5 का रूट इज 10 एंड 20 और 5 का एवरेज इज आल्सो 12.5 सो हम लोग क्या कर रहे हैं हम लोग ऑप्शन का एम एन जी एम निकाल के ट्राई करेंगे क्वेश्चन से मैच करवाने का हम लोग किससे ट्राई करेंगे हम लोग ऑप्शन देखिए आपको ए एम और जीएम निकालना आता है ना ये सोचिए पहले आप नंबर्स भूल जाइए पहले आप ये सोचिए आपको ए एम और जीएम निकालना आता है हाँ सर हमको आता है तो ऑप्शन का ए एम और जीएम निकाल लो जिस भी ऑप्शन का ए एम ट्वेल्व पॉइंट फाइव और जीएम टेन आएगा वही मेरा आंसर होगा येस और नो बोलिए। यस सर। आगे बढ़े इफ सम ऑफ Three arithmetic means between A and 22 is 42. If sum of three arithmetic means between A and 22 is 42, then find the value of A. Then find the value of A. Then find the value of A. तो इक्वेशन क्या बन गया दिस इज द राइट इक्वेशन ए और फोर्टी टू के बीच में तीन अरिथमेटिक मीन यस yes. ए और फोर्टी टू के बीच में तीन अरिथमेटिक मीन तो हम बोल सकते हैं अगर ये ए है तो ये ए प्लस डी हुआ ये a प्लस टू डी ये a प्लस थ्री डी और ये a प्लस फोर डी हाँ या ना सर हाँ सर हेयर इट विल बी ट्वेंटी टू राइट सॉरी दिस विल बी ट्वेंटी टू यस तो दो वेरिएबल है दो पैरामीटर है उसको खोजने के लिए दो इक्वेशन चाहिए तो मेरे को पहला इक्वेशन मिल गया ए प्लस फोर डी इज ट्वेंटी टू दूसरा इक्वेशन क्या है ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री इक्वल्स टू फोर्टी टू तीनों को जोड़ो थ्री ए प्लस सिक्स डी या ना थ्री ए प्लस सिक्स डी दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो सर ए प्लस फोर डी इज ट्वेंटी टू a plus 6d 3a plus 6d is 42 हम इसको into 3 करेंगे हम इसको into 2 करेंगे बोलो क्यों why i have multiplied this with 3 and the second equation with 2 anyone क्योंकि मेरे को यहां पर किसका वैल्यू निकालना है a का वैल्यू निकालना है अगर ए का वैल्यू निकालना है तो डी एलिमिनेट करेंगे डी का वैल्यू बोलता तो एलिमिनेट करते अगर दोनों बोलता तो कोई भी एक एलिमिनेट करते बट यहां पे स्पेसिफिकली क्या पूछा है मेरे से ए पूछा है ना तो वी विल एलिमिनेट डी ए प्लस टूवेल्व डी इज सिक्सटी सिक्स सिक्स ए प्लस टूएल्व डी Is एटी फोर माइनस 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 तो क्या बच रहा है माइनस फाइव ए इज इक्वल टू माइनस एटीन और ए इक्वल टू थ्री पॉइंट सिक्स कुछ गड़बड़ हुआ है क्या गड़बड़ हुआ देखो तो ओ ये भी तो थ्री ए हो जाएगा आई एम वेरी सॉरी ये थ्री से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये भी तो थ्री ए हो जाएगा तो ए इज इक्वल्स टू सिक्स ए इज इक्वल्स टू सिक्स बोलिए क्वेश्चन नंबर टेन क्लियर है यस, चलिए इलेवन नंबर करेंगे इफ ईच मंथ हर महीने रुपीज हंड्रेड इंक्रीज हर महीने सौ रुपया बढ़ रहा है इन एनी सम फाइंड द टोटल सम आफ्टर टेन मंथ्स फर्स्ट मंथ वैल्यू इज टू थाउजेंड फर्स्ट मंथ वैल्यू इज टू थाउजेंड सो बेसिकली एस टेन पूछा है और गिवेन है ए दो हजार डी सौ तो एस टेन का फॉर्मूला क्या है एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी फाइव चार हजार प्लस नौ सौ तो चौबीस हजार पांच सौ चार हजार प्लस नौ सौ इज चौबीस हजार पांच सौ बोलिए क्लियर है यस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व सम ऑफ ऑल टू डिजिट ऑर्ड नंबर्स सम ऑफ ऑल टू डिजिट ऑर्ड नंबर्स तो ऑब्वियस बात है यहां पर आप बात करें ग्यारह तेरह पंद्रह सत्रह लास्ट में नाइन्टी नाइन एन निकालने का फॉर्मूला क्या सिखाए थे एल माइनस ए बाई डी प्लस वन तो एल माइनस ए बाई डी प्लस वन एटी एट डिवाइडेड बाई टू इज फोर्टी फोर फोर्टी फोर प्लस वन इज फोर्टी फाइव ऐसे का फॉर्मूला है एन बाई टू ए प्लस एल मेन द लास्ट टर्म इज नोन तो फोर्टी फाइव बाई टू इलेवन प्लस नाइन्टी नाइन कर लीजिए फोर्टी फाइव इंटू फिफ्टी फाइव कितना आ रहा है बताइए कर लीजिए फोर्टी फाइव इंटू फिफ्टी फाइव कितना आ रहा है? टू फोर सेवन फाइव वेरी गुड इट्स टू फोर सेवन फाइव बोलिए आगे बढ़े यस क्वेश्चन नंबर थर्टीन इफ in a gp p5 equals to cube root of 3 find the product of first nine terms find the product of first nine terms तो क्या होगा ए इंटू ए आर इंटू ए आर स्क्वायर आर टू द पावर एट तक जाएगा अब आर के पावर में क्या आ जाएगा वन प्लस टू से लेकर के एट तक और ये नाइन हो जाएगा क्योंकि ये तो नाइन टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है ना तो ए टू द पावर दिस इंटू आर टू द पावर एन इंटू एन प्लस वन बाई टू सम फर्स्ट एट नेचुरल नंबर मेरा आ रहा है ए टू द पावर नाइन इंटू आर टू द पावर थर्टी सिक्स इसका मेरे को वैल्यू निकालना है इसका मेरे को वैल्यू निकालना है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नाइन टर्म्स में ए इज मल्टीप्लाइड नाइन टाइम्स पावर नाइन हो गया आर के पावर में वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस डॉट 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 प्लस एट तक आ रहा है तो सम ऑफ़ द फर्स्ट एट नेचुरल नंबर इज एन इंटू एन प्लस वन एट इन टू नाइन बाई टू अब मेरे को गिवेन भी है यहां पर ए इंटू आर टू द पावर फोर इज क्यूब रूट ऑफ थ्री तो ध्यान से देखो क्या इसको मैं लिख सकता हूं ए टू द पावर नाइन इंटू आर फोर टू द पावर नाइन ताकि ये नेक्स्ट स्टेप में ऐसा बन जाए इसका मतलब क्यूब रूट ऑफ थ्री का होल टू द पावर नाइन क्यूब रूट ऑफ थ्री का होल्ड टू द पावर नाइन तो बेसिकली थ्री टू द पावर वन बाई थ्री इंटू नाइन थ्री टू द पावर थ्री नथिंग बट इट इज इक्वल्स टू ट्वेंटी सेवन बोलिए यहां तक क्लियर है आई वॉन्ट रेस्पॉन्स फ्रॉम एवरी वन वेदर इट्स क्लियर और नॉट इफ आई हैव एनी डाउट प्लीज आस्क आई विल एक्सप्लेन नेक्स्ट इज फोर्टीन बोल रहा है एपी का समय टी थ्री प्लस टी नाइन इज एट फाइंड एस इलेवन हम लोग को टी थ्री प्लस टी नाइन बोल दिया है एट है हम लोग को S11 खोजने बोला गया है तो सबसे पहले गिवेन T3 थ्री प्लस टी नाइन इज एट और ए प्लस टू डी ए प्लस एट डी इज इक्वल्स टू एट टू ए प्लस टेन डी इज इक्वल्स टू एट एस S11 का फॉर्मूला क्या होगा इलेवन बाई टू टू ए प्लस अल्टीमेटली अंदर में टू ए प्लस टेन डी आ रहा है तो उसको रिप्लेस कर देंगे एट से तो मेरा एस इलेवन का आंसर आ जाएगा उसको रिप्लेस कर देंगे एट से मेरा एस का आंसर आ जाएगा तो अगर डेटा लिमिटेड दिया हुआ ना तो उसे घबराना नहीं है हम लोग को इफ द गि डेटा इन द सम्स इज लिमिटेड तो हम लोग को क्या नहीं करना है हम लोग को घबराना नहीं है हम लोग को उसी डेटा ले को लेकर के सम्स को आगे बढ़ाना है ठीक है चलिए सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है आप ट्राई करिए खुद से करने का एपी का ही समय बोल रहा है टी एइट इज फिफ्टीन टी एट इज फिफ्टीन फाइंड

और इसको क्या लिखेंगे फिफ्टीन बाई टू टू ए प्लस फोर्टीन डी फिफ्टीन बाई टू टू कॉमन निकाल ले रहे तो मेरा क्या आ रहा है ए प्लस सेवन डी टू टू कैंसिल फिफ्टीन इंटू फिफ्टीन इज टू ट्वेंटी फाइव फिफ्टीन इंटू फिफ्टीन इज Two twenty five. Fifteen into fifteen is two twenty five. tiktok and ap has 13 terms and ap has 13 terms An AP has an AP has thirteen terms whose sum is one forty three T three is five T three is five Find the First term. An AP has 13 terms, whose sum is 143. T3 is 5 Find the first term. But simple सा बात है. मैंने क्या बोला था? कि मैं सीधा लिख सकता हूं ना 13a equals to 143. तो ए का वैल्यू आ गया इलेवन अगर ए इलेवन है तो मेरा यहां से डी का वैल्यू आ जाएगा अगर मेरा पी में थर्टीन टर्म्स है तो हम लोग क्या कंसिडर कर रहे हैं ए माइनस सिक्स डी ए माइनस फाइव डी ऐसे लेके ले जो बीच वाला टर्म है वो ए और बाद में तो मेरा फर्स्ट टर्म इज ए माइनस सिक्स डी इलेवन माइनस सिक्स इंटू माइनस थ्री So Eleven plus eighteen is twenty-nine. Eleven plus eighteen. One second. Thirteen. D is minus three. कुछ गड़बड़ किए क्या हम कोई मिस्टेक हुआ है मेरा सर हाउ इज थर्टीन इज इक्वल टू वन फोर्टी थ्री एपी में तेरह टर्म है ना यस सर उसका सम इज वन फोर्टी थ्री यस सर तो थर्टीन टर्म टू आई माइनस ए माइनस फाइव डी एस करके ए प्लस सर सम फॉर्मूला फॉर थर्टीन टर्म्स हाँ थर्टीन हाँ, तो आएगा क्योंकि माइनस सिक्स डी प्लस सिक्स डी कट जाएगा माइनस फाइव डी प्लस फाइव डी कट जाएगा ए तो इलेवन ही आएगा अब सेकेंड टर्म यहाँ पर फाइव दिया हुआ है तो उस हिसाब से डी आ रहा है माइनस थ्री n n ठीक mm -hmm. uh, है, इसको मार्क तो तो करके रखिए। मैं।, मैं इसको चेक करूंगा एक बार ठीक है या तो आप ऑप्शन देख के भी मतलब ऑप्शन में ट्वेंटी नाइन नहीं है तो वी कैन फॉलो दरिव मेथड जैसे एस थर्टीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा एन बाई टू टू ए प्लस डी तो एन इज टू ए प्लस सिक्स डी एन इज थर्टीन सॉरी ठीक है ना हाँ शुमन बोलो शर्मा ये इज कमिंग टू एंड डी इज कमिंग वन पॉइंट फाइव इस फॉर्मूला से, से ना यस yes, सर हाँ ठीक है कर लो, लो ये तुम्हारा हो जाएगा 143 तो 11 इक्वल्स टू ए प्लस सिक्स डी एंड सिंस वी नो टी थ्री इज फाइव तो ए प्लस टू डी इज फाइव सॉल्व करके यू आर गेटिंग डी एस 1.5 एंड ए एस 2 दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके यू आर गेटिंग डी एस वन पॉइंट फाइव एंड ए एस टू बट अगर ऑप्शन में ट्वेंटी नाइन है तो आप ऊपर वाला मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं देखना पड़ेगा मेरे को ऐसा लग रहा है कि खाली जब थर्टीन टर्म्स बोला है क्योंकि हम लोग तो यही डिवाइड जब थ्री पार्ट्स में करते हैं तब ए माइनस डी ए ए प्लस डी लेते हैं दिखना पड़ेगा थोड़ा सा ठीक है यहां तक हो गया यस एवरी वन चलिए हम लोग आज इतना ही रखेंगे फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीरीज को आगे बढ़ाएंगे ठीक है